Hi guys, this is Manu Mishra. So today we discuss about the emergency provision under the Indian Constitution, which was defined under the Part 18 from Article 352 to Article 360. Article 352 defined national emergency, जो कि war की situation और armed rebellion की situation में लगती है. और national emergency India में अभी तक तीन बार impose की गई, two times war की situation में and one time इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर जब ना इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इम्पोज किया था. अब इंटरनल डिस्टरबेंस को डिलीट कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट. आर्टिकल 356 व्हिच बेसिकली डिस्क्राइब द स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम पॉपुलरली प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और इसका टाइम बहुत बार हर स्टेट में लगी है स्टेट इमरजेंसी. एंड आर्टिकल 360 व्हिच बेसिकली डिफाइंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि जब इंडिया में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्सन होती है, तब लगाई जाती है. और इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई.